अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टिकटॉक शॉप यूके एंड यूएस में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आइडियल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्लस मैं आप लोगों को ब्रेकडाउन भी दूंगा कि ये जो कॉस्टिंग है इसको, जो भी इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं बाकायदा इसको मैं ब्रेकडाउन करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हम लोग जो है वो इनकर होगी, जो भी एक्सपेंसेस हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर होंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी, मेन इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ पे जाएगी, मेन कॉस्ट आपकी कौन सी होगी, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखेगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो सवाल पूछ रहे होते हैं कि आजाद भाई इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, अगर मुझे टिकटॉक शॉप में अगर खुलनी है यूके में या यूएस में, मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या ब्रेकडाउन है, मैं मेनली कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, ये सारी चीजें बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अबाउट द इन्वेस्टमेंट के मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, अगर मैं कंपेयर करूँ टिकटॉक शॉप को अमेजोन से, सॉर्ट ऑफ वही है कि मार्केट प्लेसेस है, तो अमेजोन में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। लेट्स से अगर यूएस की लॉन्च होती है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट जहाँ तक मुझे आइडिया है $20,000-$30,000, मतलब है कि मोर देन $10,000 ही है, ठीक है, मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। फिर भी आपको एक टाइम लगता है कि 6 महीने से 1 साल तक आपको लगता है कि उसके बाद जाके कोई प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है शायद, मतलब वो भी कोई कन्फर्म नहीं है, उसमें भी आपको अच्छी खासी ब्लीडिंग करनी पड़ती है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है अमेजोन वगैरह में, जबकि शॉप में सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है जितनी आप अमेजोन पे करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट हो एटलीस्ट $2,000 से $3,000 हो, एटलीस्ट इतनी तो इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ कहाँ पे इनकर होती है। अगर मैं बात करूँ टिकटॉक शॉप यूके की, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको LTD वगैरह रिक्वायर्ड होती है, आपको वाइज आपका बैंक अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है बिजनेस का, जाहिर सी बात है वो LTD के साथ ही जो है वो बन जाता है, तो उसकी आप LTD की कॉस्ट आ जाती है अराउंड 150 से 200 pounds। तो अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो $300 अगर आप उसको लगा लें, ठीक है, आपके LTD बन गए। अच्छा, शॉप जो क्रिएशन है उसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, अगर आपने VA को हायर किया हुआ है, अगर आप उसको पे कर रहे हैं, दो तरीके होंगे, या तो आप उसको जो फीस है वो पे करोगे, फिक्स फीस जो है वो आप पे करोगे, या फिर प्रॉफिट मार्जिन पर आप काम करोगे। तो लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूँ प्रॉफिट मार्जिन की, तो जैसे बात है वो कॉस्ट लेगा नहीं, ठीक है, तो आपके जो लेट्स से अगर हमने $300 अगर हम लें उसकी LTD के, तो आपके बच गए आपके अराउंड 2200। अच्छा, उसके साथ में अगर मैं US को लेकर चलूँ, तो उसके अंदर कोई भले आपके पास LLC भी हो, ITIN भी हो, अगर SSN नहीं है तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो द थिंग इज, अगर आपके पास SSN है तो आई थिंक वो इसका मतलब ये होगा कि वो सिटीजन है, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हैं LLC, जैसे मतलब आप चला रहे होंगे अमेजोन या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी आपकी कंपनी बनी हुई होगी, ITIN नंबर लाजमी चाहिए होता है, इसका मतलब ये आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई होगी, तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वही मैं कहूँगा कि VA अगर दोनों कंपेयर करूँ तो मोस्टली वो प्रॉफिट मार्जिन में काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो रिटेनर फी पे काम करते हैं, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, जब आपका शॉप वगैरह क्रिएट हो जाता है, फिर आप इंटीग्रेट करते हैं, वो सारा प्रोसेस भी इंशाल्लाह मैं अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो खैर, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी जो मेनली बच जाती है वो अराउंड $2,000 से $2,200 आपकी बच जाती है इसमें। अच्छा, फिर वो कहाँ पे इन्वेस्ट होती है। अच्छा, वो जो मेन है, एक तो जिस तरह जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो आप देखिएगा कि जहाँ पे मैंने बताया कि कौन सा मॉडल ज़्यादा फीजिबल है, ड्रॉप शिपिंग है या PL है, वो जो वीडियो वो लास्ट में देखिएगा। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट है $2,000 से $3,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो मेक श्योर करें वो वीडियो लास्ट में देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने दोनों चीज़ें कवर की हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि आपको अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो खैर, ये है कि इनिशियली आपको ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं मोस्टली ये रिकमेंड करता हूँ कि जो ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं या सोच हुई हुई है उसी को लेकर चलें। बट लेट्स से अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम द जीरो लेकर चलें, कि आपके पास कोई अमेजोन नहीं है, लेट्स से कोई वॉलमार्ट नहीं है, कोई eBay नहीं है, आप जस्ट लेट्स से जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरे कोई लेट्स से अमेजोन वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं है, तो मुझे अगर स्टार्ट करना तो फिर किस तरह।
तो मैंने आपको कॉस्ट बता दी। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, इसकी अगर कॉस्ट, अगर बीए ले रहा है फिक्स कॉस्ट, वो आपकी हो गई। जो आपकी मेन कॉस्ट है वो आपकी आ जाती है आपके जब सेल्स आते हैं, एफिलिएट के साथ कोलैब करते हैं। अच्छा, एफिलिएट के साथ जब आप कोलैब करते हैं वो कमीशन तो लेते हैं, बट द थिंग इज वो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ के जो कमीशन भी लेते हैं वो फॉर द पर्पज के वो पोस्टिंग कर रहे होते हैं वीडियोज की। बट ज़्यादा सी बात है, आपको पेजेस पे भी पोस्टिंग करनी है, ठीक है, जो आपका टिकटॉक पेज है। तो उसके लिए आपको जो क्रिएटर है उसको पे करना है कि भाई लेट से $50, $100 या $150 आपने एक वीडियो के दे दिए, क्योंकि बाहर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये भी मैंने शायद बहुत ही मुनासिब आई थिंक कॉस्ट कही है, ये मिनिमम इतना है $100-$150 एक वीडियो के, वरना लोग $500-$500 भी एक वीडियो को चार्ज करते हैं। बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉलोअर्स एंड सेम फॉर द, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये यूके एंड यूएस मार्केट दोनों के लिए, ठीक है, कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग के हिसाब से। तो लेट्स से यूके में जैसे पाउंड है और यूएस में डॉलर्स हैं, तो आप जो है उसको अकॉर्डिंगली लेकर चलेगा। तो मैं एक कंक्लूड करके और दोनों कंबाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एफिलिएट की कॉस्ट आ जाती है। फिर अगर आपको लाइव करवाना है, टिकटॉक लाइव करवाना है किसी से, लेट्स से क्रिएटर टिकटॉक लाइव करे, जैसे मतलब बहुत कम क्रिएटर्स होते हैं जो कि सिर्फ परसेंटेज में मान जाते हैं, मोस्टली जो है वो कॉस्ट वगैरह आपसे अपफ्रंट वगैरह मांग रहे होते हैं। बहुत कम होंगे शायद, मतलब एक 10 मिनट से 2-3 होंगे जो कि कमीशन के बेसिस पे लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव पे जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट लाइव करेगा और $100 चल जाएंगे। आपको लाइव जो है वो कंसिस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली आपको जो है वो लाइव करने होते हैं। तो जैसे मतलब एक लाइव पे लाइव से एक सेल भी नहीं आएगी, तो मतलब ये कि उसने एक डेढ़ जो घंटा जो इन्वेस्ट किया तो उसके कोई मतलब उसको फायदा ही नहीं हुआ, तो एक शॉर्ट ऑफ उसको नुकसान हुआ। तो तभी उसको जो है अपफ्रंट चाहिए होता है, अपफ्रंट जो कॉस्ट है। अब अच्छा इन्फ्लुएंसर होगा तो उसको अच्छी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, ये भी डिपेंड करता है। तो इसकी कॉस्टिंग जो हो जाती है वो $300 से $500 हो जाती है लाइव का, अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हंट कर रहे हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को, जिसको लाइव नहीं आती, आप उसको सिखा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग फिर कम हो जाएगी, वो सब कमीशन बेसिस पे करेगा। ये इट ऑल डिपेंड्स। बट जो मैं कह रहा हूँ कि जो मोस्टली चीजें होती हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो समझ लें एक से दो घंटे के जो टिकटॉक लाइव है वो अराउंड $200 से $300 मिनिमम वो चार्ज करेंगे आपसे, क्योंकि वो लाइव आ रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स को जो है वो आपके प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। ये अच्छा, ये जो मैं एक कॉस्ट बता रही हूँ अच्छे फॉलोअर्स की, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जो फॉलोअर्स अगर किसी के बहुत ही लेट्स से मैक्रो इन्फ्लुएंसर से 50,000-60,000 फॉलोअर्स हैं, वो फिर अगर उसके लाइव के स्टैट्स भी अच्छे हैं, लाइव GPM भी अच्छी है, तो वो तो और ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपके ये एफिलिएट की कॉस्टिंग वगैरह आ जाती है। अच्छा, अगर आप एड्स रन कर रहे हैं, एड्स भी आपको रन करने पड़ते हैं, क्योंकि शुरू में आपके पास कोई सेल नहीं होती, लेट्स से कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, कोई सोशल प्रूफ नहीं होता, कोई रिव्यू नहीं होती, कोई फॉलोअर्स नहीं होते, तो आपके शुरू में थोड़े बहुत एड रन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो है वो बजट चाहिए होगा। उसके बाद अच्छा, जो जाहिर सी बात है आपको जो आप जो मिनिमम आप जो स्पेंड कर सकते हैं वो $20 या £20 पर डे स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली लगाएं तो $600 बनते हैं डेली बेसिस पे। अब जाहिर सी बात बजट आपको इंक्रीज भी करना पड़ेगा सेल्स जो है वो ज़्यादा लाने के लिए, और वो जो है वो डिपेंड भी करता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। अब जाहिर सी बात अगर जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर $50 या £50 है तो $20 पर डे से काम नहीं चलेगा, आपको $50 या $50 पर डे या उससे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी डिपेंड करता है। तो अगर आप लगाएं तो लगभग आप एड्स के बिना तो $600 से $1,000 या £1,000 जो है वो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सी सम रिजल्ट्स, ऑर्डर्स और टू गेट सम न्यू फॉलोअर्स। और लास्ट थिंग के जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी हो जाती है आपके स्टॉक की, ठीक है। जो आपके मेन जो स्टॉक वगैरह वो भी आपको परचेस करना पड़ेगा आगे जाके शुरू में। तो आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, लेट्स अगर आपकी मर्जी ड्रॉप शिपिंग करनी है, इन्वेंट्री परचेस करनी है, बट जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई, तो मेक श्योर करें वो वीडियो लास्ट में देखें। तो खैर, आपको इन्वेंट्री आप परचेस करेंगे 50 से 100 यूनिट्स आप एटलीस्ट परचेस करेंगे करेंगे, तो यहाँ पे भी 500 से $1,000 तक आपका खर्चा हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँगा ऑलमोस्ट जो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इन टोटल आराम $2,500 से $3,000 बनते हैं। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मुराद ये कि जो शुरुआत, मतलब ये कि आपको अगर शॉप स्टार्ट करने कितना रिक्वायर्ड है एक आध महीने के लिए, जैसे मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपको ज़्यादा चाहिए होगा, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि एक किक स्टार्ट हो कि भाई एटलीस्ट कुछ ऑर्डर्स तो आए, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आए, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बता दिया। अच्छा, जो आइडियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो मैं रिकमेंड करता हूँ $5,000 से $7,000 कि इतना होना चाहिए,
ठीक है, अब इसका जो बैकग्राउंड जो ब्रेकडाउन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मोस्टली है वो इन्वेंट्री परचेज करनी है, ठीक है, जो एफिलिएट एड्स पर अच्छे से स्पेंड करना है, और जो टिकटॉक लाइव है आपको उन्हीं को कंसीडर करना है जो कि मतलब अच्छा लाइव कर सके, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द सेल्स पैसे बात है लोग एफिलिएट से तो ला रहे होते हैं, बट द थिंग इज कि आपको लाइव भी करनी पड़ती है, लाइव से जो सेल्स आती है वो एफिलिएट से शायद 10 ऑर्डर आ जाए पर डे, 20 ऑर्डर आ जाए मैक्सिमम, बट द थिंग इज के जो के अच्छा वो भी 20-30 ऑर्डर उस वक्त आएंगे जब जो वीडियो वो वायरल चले जाए, ठीक है, जबकि लाइव में ये होता है कि अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं, और लाइव का सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये होता है कि आप प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे होते हैं, आप प्रोडक्ट लाइव दिखा रहे होते हैं कि ये फला प्रोडक्ट है इस तरह यूज होगा, और कस्टमर के सवाल आ रहे होते हैं आप उसी वक्त रिजॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। तो इसमें आप जैसे पता है आपको भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जो है एफिलिएट में, तो ये यहाँ पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, एफिलिएट आपके जो है टिकटॉक लाइव वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, आपको जाहिर सी बात है जो क्रिएटर्स हैं उनसे वीडियो बनवानी पड़ेगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप जो क्रिएटर्स हैं उनसे वीडियो बनवाएं अपने पेज पर पोस्ट करें वहाँ पे भी आपके इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, अगर आप चाहते हैं आप एड सेल हैं वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, तो ये 4 से 5 जो है वो जगह हैं या फिर ऐसी चीजें कि जो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट लाजमी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, उसके साथ साथ जो अगर आप 3 पेयर कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं आगे की बात करूँ लेट से ऑर्डर आ जाते हैं तो जैसे बात आपको रोलिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, अब अगर लेट से ऑर्डर आ जाता है और लेट से आपने कंप्लीट कर दिया तो उसी वक्त पेमेंट नहीं आती, कुछ दिनों बाद आ रही होती, अब जैसे बात आपको रोलिंग भी करनी है, अब वो पेमेंट आ रही 15 दिन के बाद, ठीक है, अब आपको इन्वेंट्री परचेस करनी आज, तो आप क्या 15 दिन का तो वेट नहीं करेंगे कि भाई मुझे 15 दिन बाद पैसे आएंगे और फिर मैं लेट से मेरे बैंक में क्रेडिट होंगे फिर मैं जाऊंगा इन्वेंट्री परचेस में, ऐसा तो नहीं होगा, तो रोलिंग के लिए भी आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं ताकि आप उसको प्रॉपरली अगर आप प्रॉपरली रोल करें और जो है लेट से जैसे बैंक आपका क्रेडिट हो जाता है आपके अमाउंट से, तो यह है कि फिर आप उसी को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी जो है आपको कुछ इन्वेस्टमेंट $2,000 से $3,000 साइड में चाहिए होते हैं कि यार ये उसके लिए है कि जब हमारे पास जो है जैसे मतलब जो अमाउंट आपकी स्टॉक हुई होती है शॉप में आपको जिस तरह ऑर्डर या अगर आप जब आपका जो आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है उसी वक्त पेमेंट नहीं आ रही होती जिस समय आपको बताया वो थोड़ा टाइम रहता है, क्योंकि जैसे पता है आप जो है वो न्यू सेलर हैं, तो इस पे भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे जो पेमेंट जो रिलीज होती है वो किस तरह रिलीज होती है कितना टाइम लगता है, तो शुरू में जो है वो 15 दिन लगते हैं जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं, मतलब जब आपने ऑर्डर डिलीवर किया जब ऑर्डर इज मार्क एज डिलीवर्ड उसके 15 दिन के बाद जो है वो जो आपके अमाउंट है वो रिलीज होती है, फिर आपके बैंक अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट होती है, तो ये एक प्रोसेस है। अब जैसे पता इस प्रोसेस इस पीरियड के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक परचेस करेंगे ऑर्डर को लेट से ड्रॉप शिपिंग करते हैं वहाँ पर पैसा रिवर्ड होगा, तो आप किस तरह करेंगे, इसी तरह करेंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी होगी $5,000 से $7,000 फिर जाके इस तरह की रोलिंग आप कर सकेंगे। तो ये एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर की कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मेनली इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ रिक्वायर्ड होगी, आपके जो मैं इसको इन परसेंटेज भी डिफाइन करूँ तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो आपको एफिलिएट मतलब मार्केटिंग साइड, मार्केटिंग में सब आ जाते हैं एड्स लाइव हायरिंग क्रिएटर फॉर क्रिएटिंग वीडियोस, ये सारी चीज़ें 50% 50-60%। फिर आपका आ जाता है जो मेनली आपका है वो आपका सोर्सिंग का आ जाता है, ठीक है, सोर्सिंग और फिर जैसे अलर्ट्स अगर जो VA है उसका अगर आप पे कर रहे हैं फी वो वहाँ पे आ जाता है, तो ये कुछ मेन कॉस्ट है जो कि आपको जो टिकटॉक शॉप है उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को ये भी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि इन्वेस्टमेंट कितने रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी मेन कॉस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यूजफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।